नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी फर्स्ट टाइम वोटर से बोले, युवाओं पर देश को विकसित करने की जिम्मेदारी, हमारी दिशा अप्रोच कैसे होगी ये आप तय करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी आज जयपुर दौरे पर, हवा महल पर साथ बैठकर चाय पियेंगे, रोड शो करेंगे। दिल्ली यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। गैर भारतीयों और घुसपैठियों को लेकर भजनलाल सरकार सख्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअल संबोधित किया। मोदी ने युवाओं से कहा कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। स्थानीय, जिले, राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले चुनाव में आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। मोदी ने कहा कि जिस तरह से 1947 से 25 साल पहले युवाओं पर देश को आजाद करने का दरमदार था, उसी तरह 2047 तक यानी अगले 25 सालों में आप पर भारत को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी है। आज के भारत में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए ये आपको तय करना है। हमारी गति, दिशा, अप्रोच कैसे होगी ये आप तय करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद जयपुर दौरे पर हैं। मोदी और मैक्रो शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। मैक्रो का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, डिफेंस के क्षेत्र में समझौते होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के आपसी रिश्तों की मजबूती को दिखाने के लिए इस दौरे को अहम माना जा रहा है। जयपुर दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति को जयपुर का हेरिटेज और यहाँ के कल्चर को दिखाया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे और सीधे आमेर फोर्ट जाएंगे। यहाँ उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वे जंतर मंतर आएंगे और मोदी 4:30 बजे जयपुर आएंगे और जंतर मंतर पर मैक्रो का स्वागत करेंगे। जंतर मंतर घूमने के बाद दोनों वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर में रोड शो करेंगे और फिर रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी वराले ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। केंद्र ने बुधवार को 24 जनवरी जस्टिस वराले के नाम को मंजूरी दी थी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सहित 34 जजों की संख्या पूरी हो गई है। देश के 17 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति है। यहां गुरुवार को भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट है। आईएमडी ने बताया कि इन 5 राज्यों में 29 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोल्ड डे की स्थिति है। यहां अगले 2 दिन तेज सर्दी पड़ने का अनुमान है। बुधवार को रुक के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। कल पंचमणि में तापमान 3 डिग्री, सतना में 3.9 डिग्री, खजुराहो में 3.4 डिग्री और हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 27 जनवरी तक प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। 28 और 29 जनवरी को ज्यादा क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान में जाली दस्तावेजों से हासिल किए गए गैर भारतीयों और घुसपैठियों के भूखंड आवंटन और पट्टे निरस्त किए जाएंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने चित्तौड़गढ़ में कच्ची बस्ती में जारी पट्टों का मामला उठाया। इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन को विश्वास दिलाया कि किसी भी गैर भारतीय या घुसपैठिए ने कूटरती दस्तावेज के माध्यम से भूखंड आवंटित कराया है और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई तो जिला कलेक्टर से उसकी जांच करवाई जाएगी। राशन की दुकानों पर टोल मशीन में रीडिंग फिक्स करके या फिर कार्ड की यूनिट में कटौती कर राशन की चोरी करने वाले डीलरों के दिन अब जल्द ही लगने वाले हैं। मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक राजस्थान सरकार ने जिले के सभी 630 दुकानों को ई तराजू से लैस करने की तैयारी कर ली है। इस तराजू में अंगूठा लगते ही कार्ड की यूनिट स्कैन होगी। एक कार्ड की टोल पूरी होने के बाद ही दूसरा कार्ड सक्रिय हो सकेगा। जिले में राशन वितरण में प्रत्येक डीलर की ओर से घटकोतली की जा रही थी और इसकी शिकायत भी की जाती थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद वापस खेल शुरू हो जाता था। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की रीडिंग को भी कई डीलर की ओर से फिक्स करा दिया गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल का निरीक्षण करने संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह गुरुवार को पहुंची। राज्य सरकार ने सभी अस्पताल डिस्पेंसरी के निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोटा में एमबीएस अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था को देखा गया, हालांकि कई जगह पर गंदगी मिली। इसके अलावा वार्डों में बेडशीट, बेड की स्थिति, पर्दों आदि की स्थिति भी देखी गई। अब मेडिकल स्टोर संचालक मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवा नहीं दे सकेंगे, ना डॉक्टर बिना कारण बताए पर्ची पर एंटीबायोटिक दवाएं लिखेंगे।
मतलब डॉक्टर भी किसी को एंटीबायोटिक दवाएं लिखेंगे तो उचित कारण लिखना होगा। भारत सरकार की नई एडवाइजरी सामने आई है। एडवाइजरी के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है और इससे आगामी समय में प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं भी असर करना बंद कर देगी। एक अनुमान के अनुसार साल 2019 में 1.27 मिलियन मौतें ड्रग रेजिस्टेंस के कारण हुई हैं, जबकि 4.95 मिलियन मौत संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाओं के असर नहीं करने से हुई है। राजस्थान के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से दोबारा प्रारंभ होगी। इसको लेकर जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग व सफाई कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में सहमति बन गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. कैलाश किशन लाहौरा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक एवं अतिरिक्त निदेशक चांदमल वर्मा के साथ संगठनों के पदाधिकारियों की वार्ता हुई और इसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होने का फैसला लिया गया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 की परीक्षाओं में भूगोल की सैकड़ों कॉपियों में अंकों की गड़बड़ी का मामला अभी सुलझा ही नहीं कि इतिहास की एक कॉपी में हेरा फेरनी का मामला सामने आया है। इस मामले में गोपनीय शाखा के कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत की संभावना नजर आ रही है। भूगोल की कॉपियों के मामले में भी कॉपियां जांचने वाले शिक्षक को जिम्मेदार मान पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस मामले में कर्मचारी संदेह के घेरे में है। अजमेर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में शुक्रवार को सुबह 9:30 पर होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ध्वजारोहण करेंगे। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त कार्यालय पर सुबह 8:45 पर कलेक्ट्रेट पर 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। पुलिस लाइन में बुधवार को फाइनल रिहर्सल हुई। करीब 100 स्कूली बच्चों ने पीटी, 40 बच्चों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां पेश की। सीआई रामवीर सिंह ने बताया कि परेड में 9 प्लाटून शामिल होगी। एनसीसी की आर्मी विंग, एनसीसी की नेवल विंग, मिलिट्री स्कूल के साथ हरिसुख बालिका की प्लाटून ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों शिक्षकों का भी सम्मान होगा। राजस्थान में चाइल्ड लाइन 1098 कॉल सेंटर अब चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के नाम से बाल अधिकारिता विभाग के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई की देखरेख में संचालित होगा। पहले पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर 1098 का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा था। झुंझुनू में एनजीओ के साथ करार सितंबर 2023 में खत्म हो गया था। बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक पवन पूनिया ने बताया कि पहले चाइल्ड लाइन 1098 का मुख्यालय दिल्ली में था और अब नए चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम इसका नियंत्रण कक्ष जयपुर में स्थापित किया गया है। मुसीबत में फंसा कोई बच्चा या ऐसी किसी बच्चे की मदद के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा 1098 पर की गई कॉल अबजयपुर स्थित कंट्रोल रूम पर जाएगी। जोधपुर शहर के सूरसागर बड़ा रामद्वारा चांदपोल में स्वामी भगवानदास महाराज का 222वां बरसी महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। 24 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में पहले दिन 26 जनवरी शुक्रवार सुबह 9:30 से 1:30 तक गुदड़ी जी के दर्शन होंगे। वर्तमान में बदलते समय के साथ लोगों को डॉग के प्रति पसंद भी बदल गई है, ऐसा कहना है डॉग एक्सपर्ट्स वीरेन शर्मा का। उनका कहना है कि पहले के लोग जहां जर्मन सेपर्ड, पार्मेलियन जैसे डॉग को पसंद करते थे, लेकिन वर्तमान में जयपुर राइट्स को गोल्डन रिट्रीवर, सिट्ज़ू, बीगल जैसे डॉग सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जहां कोविड से पहले लोग स्ट्रीट डॉग को ना पसंद करते थे, लेकिन कोविड टाइम में बहुत से लोगों ने स्ट्रीट डॉग को अपनाया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग मुहूर्त निकालकर डॉग खरीद रहे हैं और इसी के साथ लोग यह भी तय कर रहे हैं कि डॉग की डिलीवरी कब करवाई जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जयपुर राइट्स डॉग का चयन कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है कि समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद को लेकर राज्य सरकार का क्या रुख है। न्यायाधीश विजय विश्नोई द्वारा न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता किसान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरा ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र को हाल ही में कैबिनेट की बैठक में नीतिगत दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया था। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद को लेकर यह कहते हुए असमर्थता जताई थी कि खरीद के बाद बाजरा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं में वितरण की कोई मांग नहीं है। केंद्र सरकार इसी शर्त पर अनाज खरीद खर्च का पुनर्भरण करने को रजामंद है कि खरीद किया गया अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाए, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा जिलों के रसद अधिकारी बाजरा की मांग को शून्य बता चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।